विधायक बोले, बेईमान है 90% पटवारी, केवल 10% ईमानदारी से करते हैं काम। किसानों के साथ तहसीली में बोला हल्ला। बुधवार को बंडा विधायक तरवर सिंह लोधी के नेतृत्व में किसान एवं कांग्रेस नेताओं ने एसडीएम एवं तहसीली का घेराव किया। तहसीली घेराव के पहले सभी किसान विधायक कार्यालय के बाहर एकत्र हुए। उसके बाद विधायक तरवर सिंह लोधी किसानों के साथ उन्हें लेकर तहसील पहुंचे और तहसीली का घेराव कर 2 घंटा धरना प्रदर्शन किया। विधायक ने एसडीएम बंडा को 5 दिन पहले पत्र के माध्यम से किसानों की नष्ट हुई फसलों का तत्काल सर्वे कराने एवं किसानों को उचित मुआवजा दिलाने के लिए अवगत कराते हुए 5 दिन का अल्टीमेटम देते हुए धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी थी, जिसके बाद बुधवार को धरना प्रदर्शन किया गया। एसडीएम ने विधायक एवं किसानों का आश्वासन देते हुए जल्द ही कृषि विभाग एवं पटवारियों से सर्वे कराने की बात कही। जो फसल है वो पाला और तुषार उस संबंध में हमने भी भोपाल में उस समय विधानसभा सत्र चल रहा था, तो उसी के दौरान हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया लेटर के माध्यम से और विधानसभा अध्यक्ष के लिए भी अवगत कराया, और साथ ही में हमारे जो सागर जिले के प्रभारी हैं अरविंद भदौरिया जी, उनको भी अवगत कराया कि हमारे बंडा विधानसभा में जो अत्यधिक ठंड पड़ने से जो फसलों पर पाला तुषार पड़ा है उसका जल्द से जल्द सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिया जाए। लेकिन उसके बाद कोई शासन और प्रशासन ने, यहाँ के हमारे बंडा विधानसभा के किसानों ने भी बारी बारी आके एसडीएम महोदया को अवगत कराया कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में किसानों की फसल पाला तुषार पड़ने से नष्ट हो गई है, लेकिन अभी तक ना ही तो शासन ने ना ही प्रशासन ने कोई नष्ट फसलों को लेकर कोई सर्वे शुरू नहीं किया। और हमने भी 5 दिवस पहले, 5 या 6 दिवस पहले एक लेटर, एक अल्टीमेटम 5 दिन का दिया था कि यदि 5 दिन में जो पाला तुषार पड़ने से किसानों की जो विधानसभा की जो फसल नष्ट हुई है यदि उसका सर्वे जल्दी नहीं कराया गया तो हम 6वें दिन आकर आपके तहसील प्रांगण में बैठ जाएंगे। तो आज हमारे साथ पूरे बंडा विधानसभा के किसान, जिसमें वरिष्ठ बुजुर्ग कम से कम 65, 70, 75 साल के किसान भी हमारे साथ यहाँ इस धरना प्रदर्शन में बैठे हैं कि जब तक हमें एसडीएम महोदया के माध्यम से, एसडीएम महोदया कलेक्टर से बात कर लें और कलेक्टर ऊपर बात कर लें, अपने जो भी सरकार के जो भी नुमाइंदे हों उनसे बात कर लें कि जब तक हमारे बंडा विधानसभा के किसानों की जो फसल नष्ट हुई है तुषार और पाले से, उसका सर्वे कल से अगर शुरू नहीं किया जाता है, ये आश्वासन वो हमें आकर दें। यदि नहीं देती है तो हम लोग यहीं रात्रि विश्राम करेंगे। 2 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी ये आप लोगों को कोई जानकारी देने नहीं? अरे मैं तो 2 घंटे नहीं, 2 दिन की, और 2 दिन नहीं 10 दिन की, जब तक ये हमारी मांगे मंजूर नहीं करेंगे तब तक हम लोग बैठेंगे। विधायक जी, जब आपने 5 दिन पहले ही अल्टीमेटम जारी किया था कि यदि किसानों की फसलों का सर्वे जारी नहीं होता है तो मैं धरने पर बैठूंगा, जो आगे भी और भी ज्ञापन हुए हैं उन ज्ञापनों का क्या होता था जब आपकी पत्र का ये हाल है? तो उन सभी जितने भी हम लोगों ने पहले ज्ञापन दिए हैं उन सभी ज्ञापनों को लेकर आज हम बैठे हैं, जब तक उनका निराकरण नहीं हो जाता जब तक हम उठने वाले नहीं। ओके, लेकिन एक चीज़ और मैं आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, किसानों को तो हम शाम को यथावत हमने घर भेज देंगे, लेकिन हम और हमारे साथ जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं यहाँ रात में भी धरना प्रदर्शन के दौरान विधायक ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए सागर से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।